Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing Human Eye and the Colorful World session number 2. So, आज का हमारा session number 2 है. So, in our previous session, as you know, we had discussed about the structure of the human eye and the defects of vision. That was more of a biology का part. So, today आज हम लोग much of physics करने वाले हैं, ray diagrams construct करेंगे, and many interesting topics we are going to discuss. So, before starting, make sure to like the video, share with your friends and subscribe karo channel ko right away. So session outline, today we are going to discuss about the dispersion of light. Okay, jo apne previously chote grades mein bhi padha hai, but hum log detail mein padhenge. And we are going to learn about the formation of rainbow. Okay, in sabko detail mein padhenge aaj. Okay, so let us begin with dispersion. Now we know कि एक Newton had created one thing known as the Newton's disc. Newton ने क्या किया, उन्होंने एक disc ली, एक circular disc ली और उसको seven color कर दिया, Vibgyor, right, you know, right? Sorry, हाँ Vibgyor, violet, indigo, red, all of the, ठीक है, उन सबको किया. अब क्या हुआ, जब when he rotated the disc very fast, जब एकदम fast उस disc को rotate किया तो क्या हुआ कि वो डिस्क का कलर व्हाइट हो गया, नॉट परमानेंटली बट जब वो रोटेट हो रही थी ऐसा लग रहा था व्हाइट कलर है. सो व्हाट कैन यू इन्फर, ये सारे कलर्स मिलके बना रहे थे व्हाइट कलर, इजंट इट. कैन वी से दैट व्हाइट लाइट जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेवन कलर्स, करेक्ट. सो व्हाइट लाइट, यू कैन इवन डू दिस, टेक ऑल द सेवन कलर्स विद ग्योर, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब कलर मिक्स कर दो, पेंट को मिक्स करो, यू विल गेट व्हाइट कलर. सो द थिंग इज दैट न्यूटन कैच्ड. नाउ देन ही गेव अ कंसेप्ट अबाउट द डिस्पोजन ऑफ लाइट. नाउ बिफोर डिस्पोजन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रिज्म. प्रिज्म इज अ ग्लास, दिस वोंट कम इन योर बोर्ड एग्जाम व्हाट इज प्रिज्म, बट आई एम जस्ट टेलिंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन. सो प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा 3D ग्लास का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें अगर व्हाइट लाइट जाएगी तो वो सारे सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. ओके, प्रिज्म इज अ ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट, जनरली ट्रायंगुलर यूज करते हैं हम, अलग अलग शेप्स में भी होता है, ठीक है, ऑक्टागनल होता है, देन हेक्सागनल होता है, हेप्टागनल होता है, ठीक है. सो क्या होता है, व्हेन अ लाइट, वाइट लाइट जब एंटर करती है तो ये सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाती है थ्रू द प्रिज्म. ओके, अब देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द प्रिज्म यू शुड नो. एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में हम डील करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी ये सामने वाला ट्रायंगल और डी ई एफ ये पीछे वाला ट्रायंगल. ओके, दीज टू आर दी ऑपोजिट फेसेस. ओके, नाउ एंगल बी ए सी, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ द प्रिज्म. ये प्रिज्म का एंगल है बिकॉज उस एंगल पे वो टॉप पे, ठीक है. उसके बाद ए बी ई डी ए सी एफ डी वो रिफ्लेक्टिंग फेसेस, रिफ्रैक्टिंग फेसेस है, और जो एज है ए डी, ये जो ए डी है दैट इज योर रिफ्रैक्टिंग एज, और उसके बाद बी सी एफ ई वो बेस है एक रेक्टागनल, रेक्टेंगल का बेस है वो, ठीक है. सो दीज आर दी पार्ट्स मेन आपको याद रखना है, व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म. ऑलराइट, अब देखो एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या होता है, दैट इज वन स्पेसिफिक एंगल एट वेयर द साइड्स आर इंक्लाइंड. सो जिस एंगल पे साइड्स इंक्लाइंड होती है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ द प्रिज्म. सो दैट, सो एवरी प्रिज्म हैज वन एंगल, ठीक है, साइड्स है जिस एंगल पे वो इंक्लाइन कर रही है, ज्वाइन कर रही है, दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. नाउ व्हाट हैपेंस इज आफ्टर दिस सेकेंड रिफ्रैक्शन द लाइट ट्रेवल गो डाउनवर्ड. हमको पता है थ्रू द यू नो रेयर टू डेंसर मीडियम में. नाउ लुक, वी नो कि हमारे एयर से आ रही है लाइट रे, एयर इज अ रेयर मीडियम. अब प्रिज्म में जा रही है सॉलिड है, दैट्स अ डेंसर मीडियम, करेक्ट, ऑप्टिकली डेंसर है, और अगेन वो रेयर मीडियम में जा रही है. सो देयर विल बी सम चेंज इन पाथ. सो क्या होता है, द रे इज इंसिडेंट, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, लेट अस से दिस इज अवर नॉर्मल, सो उसके ऊपर जाएगी, राइट, इट विल गो थ्रू द नॉर्मल, उसके बाद वापस बाहर जाने के लिए इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, पहले टूवर्ड्स नॉर्मल देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो इन जनरल क्या होगा, अगर दिस इज माई प्रिज्म,
इफ लाइट रे इज कमिंग लाइक दिस तो वो ऐसे पास होके ऐसी चली जाएगी. सो समवॉट दिस शेप विल बी फॉर्म्ड, दैट इज योर रेस. सो ये पहला वाला होता है इंसिडेंट रे, बीच वाला रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर आ रहा है दैट इज द इमर्जेंट रे. वी हैव स्टडीड दिस इन द आर दिस ऑल्सो राइट, वी हैव स्टडीड इट इन द ग्लास लैब ऑल्सो. द एक्सटेंड नाउ द एक्सटेंड द इंसिडेंट रे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इमर्जेंट रे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर हम उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे सो लेट्स सी वॉट हैपन्स. ना लेट्स लुक ओवर हियर, आई इरेज एवरी थिंग. ओके लेट्स इरेज ऑल ऑफ दिस. अब देखो हम इंसिडेंट रे को आगे की तरफ खींचते हैं. ओके सो लेट अस टेक द इंसिडेंट रे अहेड और इमर्जेंट रे को बाहर ट्रेस करते हैं. सो वॉट विल हैपन इज वेन वी ट्रेस इट सो दे विल एग्जैक्टली मीट दैट वन पॉइंट. So that one point will be on the our prism. That is not known because we are just tracing. We are just tracing it back. So what will happen is, so that is known as the angle of deviation. So what will happen? This will make some angles. Those angles are known as the angle of deviation because उस point से वो incident ray और emergent ray deviate कर रही है. So angle between the incident and the emergent ray जो possible नहीं है but हम उसको trace कर रहे हैं, that is the angle of deviation. हम उसको ऐसे note down करते हैं. Already you can say it as gamma as well. So what happens? That is how your light will get refracted through the prism. Now let us say द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज देयर ऑफ द मटीरियल, करेक्ट. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेड रूबी का इट इज 1.76, ब्लू ग्लास का इट इज 1.5. सो द एंगल ऑफ डिविएशन विल बी मोर फॉर रेड रूबी देन फॉर द ब्लू रूबी. कलर भी मैटर करता है राइट. सो डिविएशन किसका ज्यादा होगा? रेड रूबी का ज्यादा होगा. वाई? बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंपेरेटिवली मोर. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा सो एंगल ऑफ डिविएशन भी ज़्यादा होगा. जितना ज़्यादा इंडेक्स होगा उसका सो उतना ज़्यादा डिविएट करेगा वो. ऑलराइट, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से. नाउ लेट्स कम बैक टू आर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. नाउ व्हेन वी से देयर इज वन वाइट लाइट पासिंग थ्रू, अगर वो प्रिज्म पे फॉल करेगी वी नो वो सेवन कलर्स के बैंड में आएगी. नाउ दिस बैंड ऑफ सेवन कलर्स इज नोन एज द स्पेक्ट्रम. ठीक है, दीज आर द टर्म्स यू शुड रिमेंबर. स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ सेवन कलर्स, विबग्योर आर द सेवन कलर्स, डिस्पोजन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. ओके सो एंगल ऑफ डिविएशन कैसे किधर बनेगा? एंगल ऑफ डिविएशन बनेगा बिटवीन द इंसिडेंट रे, ओके फर्स्ट फेस का इंसिडेंट रे, और रिफ्रैक्टेड रे जो बाहर निकल रहा है थ्रू द सेकेंड फेस. इजंट इट? दिस इज माई वाइट लाइट. ठीक है, दिस इज माई वाइट लाइट. लेट अस से हम रेड का ले रहे हैं. सो रेड का दिस है ना, तो क्या बन गया? दिस बिकम्स योर एंगल ऑफ डिविएशन राइट, दैट बिकम्स योर एंगल ऑफ डिविएशन है ना. सो सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ है ना. सो लेट मी शो यू एग्जैक्टली हाउ इट हैपन. लेट मी ट्राई टू इंसर्ट अ ब्लैंक स्लाइड एंड शो यू. सी दिस. So now we know that this is my prism. Okay, this is my prism. Light ray aa rahi hai, white light. Now what will happen is split into seven colors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, just leave it. Okay. अब क्या कर रहे हैं हम? Incident ray ये रही. ठीक है, we'll trace it. Okay. इसको भी ट्रेस करते हैं. पहले रेड को लेते हैं, दैट इज फर्स्ट इमर्जेंट रे. सो एक वेवलेंथ बनेगी, दिस इज योर फर्स्ट वन. उसके बाद नेक्स्ट इंडिगो के साथ दूसरी बनेगी. सॉरी, दिस इज योर वॉयलेट इंडिगो है ना, इज दैट द करेक्ट? नो, फर्स्ट वन इज रेड, देन विबग्योर नीचे से चालू होता है. ऑलराइट, सो उस तरीके से वी विल हैव डिफरेंट वेवलेंथ. ओके, देन येल्लो के लिए अगर कंसिडर करें तो ये पूरा लेना पड़ेगा, दैट इज फॉर योर येल्लो है ना. सो उस हिसाब से वी विल गो. सो हर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हर कलर के लिए डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ. नाउ कलर्स ऑफ द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम दैट हैव शॉर्टर वेवलेंथ. शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होती है? ब्लू, इंडिगो और वायलेट, इन तीनों की होती है शॉर्टर वेवलेंथ. ओके, और डिविएशन जिसका ज्यादा होगा, डिविएटेड मोर देन द ओरिजिनल पाथ देन द कलर्स विद द लॉन्गर वेवलेंथ, रेड, ऑरेंज एंड येलो, इनकी जो वेवलेंथ होगी वो
ज्यादा होगी, तो डिविएशन किसका होगा, जो शॉर्ट वेवलेंथ है, जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो फटाफट डिविए ज्यादा डिविएशन दिखाएगी, वेरस जो लॉन्गर वेवलेंथ है जिनकी, दैट विल शो लेस डिविएशन. ओके, सो शॉर्टर वेवलेंथ विल डिविएट मोर, लॉन्गर वेवलेंथ विल डिविएट लेस. ठीक है, अब इफ यू सी दीज आर ओनली थ्री कलर्स, थ्री थ्री सिक्स, हमारे तो सेवन कलर्स होते हैं राइट, विच इज मिसिंग, विब ग्योर जी इज मिसिंग. ग्रीन क्या होता है, ग्रीन इज एग्जैक्टली इन द मिडल, तो उसका ना हम ज्यादा एक्सट्रीम समझते हैं दो बीच में, तो इसलिए उसको बीच में कंसिडर करते हैं. नाउ द एमर्जेंस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ प्रिज्म एट डिफरेंट एंगल लीड्स टू सी द कॉम्पोनेंट ऑफ कलर्स ऑफ विजिबल लाइट. ठीक है, सो क्या होता है, दिस गिव्स राइज टू द स्पेक्ट्रम ऑफ सेवन कलर्स. सो व्हाइट लाइट जब आती है, हर स्पेसिफिक वेवलेंथ, हर स्पेसिफिक यू नो आपके ये डिविएशन के थ्रू अलग अलग लेंथ पे कलर्स निकलती है, एंड देन वी कैन सी द सेवन कलर्स. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट डिस्पर्जन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन टू इट कॉम्पोनेंट कलर्स, और यू कैन से स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन टू द बैंड ऑफ सेवन कलर्स. याद रखना, विबग्योर नीचे से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम डाउन, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, सबसे कम, हाँ सी लॉन्गर वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी रेड की, और डिविएशन सबसे कम होगा. ओके, नाउ कम लुक ओवर हियर, सी इन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेस कौन सी है, अल्ट्रावायलेट हमारी विबग्योर की, विब तक समझ लो ठीक है, वायलेट इंडिगो ब्लू की, और इंफ्रारेड होगी हमारी कौन सी, येलो ऑरेंज रेड, ग्रीन बीचों बीच आएगा. ओके, सो येलो ऑरेंज रेड की जो ये, व्हाट इज दिस लाइन, दिस कर्व्स आर नथिंग बट योर वेवलेंथ. सो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, येलो ऑरेंज रेड की, सबसे कम वेवलेंथ होगी वायलेट इंडिगो ब्लू की. सो वेवलेंथ, ठीक है, सो वी कैन से दैट वेवलेंथ, वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्बडा, यस स्टडीड इट लास्ट ईयर. सो अगर लैम्बडा ज्यादा है, वेवलेंथ इज मोर, सो द डिविएशन विल बी लेस, और अगर वेवलेंथ इज लेस सो डिविएशन विल बी मोर. ओके, सो इफ यू लुक ओवर हियर, रेड बेंड्स द लीस्ट एंड वॉयलेट बेंड्स द मोस्ट. अब देखो, ये देखो, ये इधर से लाइट रे आई और इधर से चली गई, बट सेम पाथ से लाइट रे आ रही है, और वो ज्यादा डिविएट किधर कर रही है, मोर डिविएशन टेक्स प्लेस इन वॉयलेट बिकॉज द वेवलेंथ इज लेस ओवर योर. ठीक है, और वॉयलेट रेड में योर वेवलेंथ इज मोर, सो डिविएशन इज लेस. ओके, नाउ डिस्पोजन ऑफ व्हाइट लाइट इन सेवन सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स अकर्स एज द लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल से वो पास थ्रू करेगी व्हाइट लाइट. ओके, दिस हैपेंस ड्यू टू द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ द कलर्स. हर कलर का अपना अलग वेलोसिटी होगा, अलग वेवलेंथ होगा, एज अ स्ट्रोडियर कोई कोई अल्ट्रा वायलेट होगी, कोई कोई इंफ्रा रेड होगी. सो ड्यू टू दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होगी. नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी कंबाइन टू आइडेंटिकल प्रिज्म्स, अगर हम दो प्रिज्म्स को ज्वाइन करेंगे तो व्हाट विल हैपन. अब एक प्रिज्म के थ्रू क्या होता है, वन प्रिज्म क्या करेगा, लाइट को डिस्पोज करेगा, दूसरा प्रिज्म लाइट को रिकम्बाइन करेगा, सो देयर विल बी डिस्पोजन एंड रिकॉम्बिनेशन. सो ये लाइट रे आई, ओके व्हाइट लाइट आई, इट विल बी कॉन्स्टिट्यूट इन टू सेवन कलर्स. ठीक है, आई ड्रॉ जस्ट टू ओवर हियर, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, दूसरे प्रिज्म में जाके सेवन कलर्स आ रहे हैं ना, सो क्या हो जाएगी, वो वन लाइट रे में कन्वर्ट हो जाएगी. सो व्हाट विल हैपन, दिस इज योर व्हाइट, दिस इज योर विबग्योर है ना, विबग्योर, और दूसरे प्रिज्म से वापस व्हाइट लाइट आ जाएगी. सो जब सेवन कलर्स वापस कंबाइन करेंगे तो व्हाइट बनाएंगे, व्हाइट जब स्प्रेड आउट होगा तो विबग्योर होगा. सो दिस इज योर डिस्पर्जन, ओके दिस इज योर डिस्पर्जन, फर्स्ट प्रिज्म, और दूसरा प्रिज्म क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन, दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, सो लुक ओवर हियर, फर्स्ट लाइट रे सेवन कलर्स का स्पेक्ट्रम आया, जब स्पेक्ट्रम पास थ्रू करेगा दूसरे प्रिज्म से वो
व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द फर्स्ट प्रिज्म इट विल डिस्पर्स, और सेकेंड प्रिज्म के थ्रू द डिस्पर्स लाइट विल रिकम्बाइन टू द व्हाइट लाइट. दिस रिकॉम्बिनेशन विल अकर इन द रिवर्स रिफ्रैक्शन. उल्टा रखा है ना हमने, सो अपसाइड डाउन क्यों रखा है, बिकॉज इट विल बी द रिफ्रैक्टिंग साइड विल बी पैरेलल. देखो ये एक है तो ये दूसरा है, कैन यू सी दे आर पैरेलल. अगर हम दोनों को ऐसा सीधा सीधा रखते हैं सो दैट वोंट बी पैरेलल ना, हमको पैरेलल चाहिए. सो एक ऐसा रखा एक ऐसा रखा, सो दीज टू लाइन दीज टू पैरेलल द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. सो सेकेंड प्रिज्म इज केप्ट जस्ट लाइक द फर्स्ट प्रिज्म, सो कोई रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा. लुक ओवर हियर, अगर हमने ऐसा रखा है दोनों को स्ट्रेट रखा है तो क्या होगा, व्हाइट लाइट आई सेवन कलर्स में पास हुई और वो क्या होगा, टेढ़ा है. ठीक है टेढ़ा है, वी हैव केप्ट इट अपराइट पैरेलल नहीं है, तो क्या बनेगा, और वाइडर स्पेक्ट्रम बन जाएगा. ठीक है एक स्मॉल गैप रखा है अगर, तो वाइड स्पेक्ट्रम बन जाएगा. सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट विल एक्ट ट्वाइस, दो बार डिस्पर्जन हो जाएगा और फाइनल स्पेक्ट्रम जो होगा वो ज्यादा बड़ा होगा. सो दैट इज द सिग्निफिकेंस, इसलिए हमको हमेशा जो है उसको पैरेलल रखना होगा. सो दैट अगर व्हाइट लाइट आई स्प्लिट हो गई और वापस रिकम्बाइन हो जाएगी. ओके नाउ अब आता है समथिंग अबाउट द टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्रैक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं अभी. दैट इज बिकॉज वी हैव टू स्टडी अबाउट द रेनबो लॉ. अब देखो हमने ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा हुआ है, इजंट इट, वी स्टडीड अबाउट द ग्लास स्लैब. इफ यू से लेट अस से कि हमारा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है यहाँ पे, लेट अस से फॉर अ स्पेसिफिक एंगल वी रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री. अगर 90 डिग्री हो गया ठीक है, यहाँ से आया और स्ट्रेट चला गया, सो क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है वॉट विल हैपन इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे आई इंक्रीज करते जाएंगे, सो रिफ्रैक्टेड रे विल गो टू द फर्स्ट मीडियम, करेक्ट. सो अगर दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन, एक स्पेसिफिक एंगल पे रखा है हमने और यहाँ से क्या हो रहा है, इट इज गोइंग स्ट्रेट 90 डिग्री. इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग इट, इफ आई कीप ऑन स्लांटिंग इट, तो क्या होगा, इवेंचुअली वो इधर रिफ्रैक्ट हो जाएगा, वो सेम मीडियम में आ जाएगा. सो दिस एंगल, ये एंगल जिस पे वो यू नो सेम मीडियम में आ जाएगा, दैट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम. सो क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम इज द एंगल इन विच द रिफ्रैक्टेड रे विल गो बैक इन द फर्स्ट मीडियम, दैट इज योर क्रिटिकल एंगल. सो व्हेन सच व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, सो सच रे इज पार्शली रिफ्लेक्टेड और पार्शली रिफ्रैक्टेड. ना वो रिफ्लेक्ट हुई ना वो रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है दोनों सेम, हल्का सा रिफ्रैक्शन हुआ हल्का सा रिफ्लेक्शन हुआ, सो दोनों चीजें हो रही है. सो दैट इज योर सिनेरियो इन द क्रिटिकल एंगल. लास्टली व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, सो कोई रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा, बिकॉज इंसिडेंट रे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रही है. दिस इज योर ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है, दिस इज योर इंसिडेंस है ना, अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो वो इधर से रिफ्रैक्ट हो जाएगा, देर वोंट बी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, देर वोंट बी एनी रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस. सो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल अगर बड़ा है सो देर विल बी ना तो रिफ्लेक्शन ना तो रिफ्रैक्शन, पार्शल होगा, और अगर इंसिडेंस बड़ा है सो ओनली रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, एंड देन कम्स योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि अंदर ही अंदर रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है. सो क्या क्या होगा यहाँ पे, लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर टू रेरर मीडियम, डेंसर से रेरर मीडियम में जाना होगा इसको, बट वो कहाँ पे आ रही है, डेंसर में. एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, सो अगर हमारा इंसिडेंस रे क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तब भी ही इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस. इंटरनल क्यों बोला गया, बिकॉज इवेंचुअली ग्लास आपको पता ही है रिफ्रैक्ट हो जाएगा, करेक्ट, सॉरी इट विल रिफ्रैक्ट है ना, बट इट इज गोइंग रिफ्लेक्टेड इन द ग्लास स्लैब, सो दैट इज योर इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब यह देखो दैट इज इवन इन योर डायमंड, डायमंड इफ यू सी इट इज वेरी शाइनी, हाउ व्हाई इज इट शाइनी. अब देखो डायमंड क्या होता है, इट्स अ पीस ऑफ ग्लास
ग्लास ही है ना, हमारे घर पे भी ग्लास के यू नो ग्लास होता है ना, ग्लास कप्स होते हैं, दैट डजेंट शाइन दैट मच. नाउ व्हाट हैपेंस इज द पीपल जो डायमंड का काम करते हैं, दे टेक ग्लास पीसेस, उसको स्पेसिफिक एंगल्स में कट करते हैं. यू मे सी पैटर्न्स है, डायमंड में पैटर्न्स होते हैं. अब इस पर्टिकुलर यू नो पर्टिकुलर एंगल से वो कट करते हैं पूरे डायमंड को, सो दैट जो लाइट है वो उसके अंदर ही घूमती रहेगी. ओके, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, उस क्रिटिकल एंगल से करते हैं. सो क्रिटिकल एंगल जो है 23 डिग्रीज है डायमंड का, वेरी स्मॉल. सो ये क्या होगा, इससे 23 एंगल से हम उसको कट करेंगे ताकि जब एक बार लाइट रे एंटर करे तो वो उसमें ही फंस जाए, इट विल गेट ट्रैप्ड, ड्यू टू विच देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डायमंड एकदम शाइन करेगा. अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया सो द डायमंड वोंट गेट दैट मच. अब इसको डायमंड को कोई भी इरेगुलरली कट करो, उसका शाइन चला जाएगा बिकॉज लाइट विल एस्केप. ठीक है, सो लाइट अंदर ही अंदर रहेगी, फॉर दैट वी यूज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इट इज इवन यूज इन एंडोस्कोपी. अब जब ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो कैरी करते हैं है ना योर सिग्नल्स एंड ऑल, सो वो भी इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जाते हैं बिकॉज एंगल फॉर्म बाई द रे वो ज़्यादा बड़ी होती है देन द क्रिटिकल एंगल. सो ये नेटवर्क सिग्नल्स एंडोस्कोपी इन सब में ऑप्टिकल फाइबर्स का काम आता है, इन विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. अब आते हैं हम हमारे रेनबो फॉर्मेशन के लिए. अब हमने क्यों पढ़ा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ योर रेनबो ओनली. अब हमको पता है, आई टेल यू द बेसिक कंसेप्ट, नो सस्पेंस ओवर. हमको पता है कि क्या होता है, रेनबो कैसे बनता है. रेन ड्रॉप इट एक्ट एज अ प्रिज्म है ना, द रेन ड्रॉप जो होता है इट विल एक्ट एज अ प्रिज्म. सनलाइट व्हाइट लाइट होती है, जैसे वो जाती है इट विल डाइवर्ज इनटू द सेवन कलर्स है ना, सेवन कलर्स में. नाउ द क्वेश्चन कम्स, हर कलर का अलग अपना वेवलेंथ होता है, सो व्हाई डन द लाइट रीचेस द अदर साइड ऑफ द रेन ड्रॉप, दूसरे राइट साइड पे पहुंच जाएगी. नाउ प्रॉब्लम आता है कि वो वाटर में ही रहेगी या वो बाहर चली जाएगी, व्हाट विल हैपन. लुक एन एग्जांपल ओवर हियर, लेट अस से ये एक रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम. सो क्या होता है, वी नो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो दैट मीन्स द लाइट विल अंडरगो अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगर जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, एक इंसिडेंस एंगल जो होगा अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, सो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ओके, बट फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है सो लाइट चली जाएगी एयर में. सो दैट मीन्स योर द लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट फ्रॉम द इंटरफेस. ठीक है, इंटरफेस के थ्रू वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती है, और जब थर्ड इंटरेक्शन होता है तो वो बाहर चली जाती है फ्रॉम द ड्रॉपलेट, एंड दैट इज वाई डज इट स्टेज इन द वॉटर एंड डज नॉट रिफ्रैक्ट इन टू दी एयर. वेरी लेस अमाउंट ऑफ कलर्स आर भी, देखो रेनबो को देखो तो क्या होगा, यू विल सी दैट रेनबो, यू कैन नॉट सी ऑल द सेवन कलर्स, नो यू विल बी एबल टू सी ओनली रेड येलो, ये सारे कलर्स ज्यादातर आप देख पाओ, वॉयलेट कभी नहीं देख पाओगे. वाई, बिकॉज दे हैव वेरी लेस वेवलेंथ है ना. सो वॉट विल हैपन, लॉन्गर वेवलेंथ नहीं है उनकी, सो फॉर दैट रीजन दे वो अंदर ही अंदर वाटर के रह जाएंगे, इट विल नॉट रिफ्रैक्ट. सो एज अ कंक्लूजन वी कैन से दैट इट दिस इज जस्ट वन ऑफ द पाथ दैट द लाइट कैन टेक थ्रू द बबल रेन, ये हमारे रेन ड्रॉप के सम रिजल्ट इन अ रेनबो एंड फॉर सम द डिस्पर्शन इज नेगेटिव. एज पर द रेन ड्रॉप जितना लाइट वो ले पा रहे हैं, अगर उसका रिफ्रैक्शन पोजिशन अच्छा रहा तो वो बाहर फेंक देगी लाइट को, और एल्स वो अंदर ही अंदर फंसी रहेगी. सो फॉर अस टू सी अ रेनबो क्लियरली द सनलाइट हैज टू हिट रेन ड्रॉप्स एट सर्टन एंगल्स. इसलिए बारिश होती है रेनबो नहीं होता, नो. वेन रेनबो इज फॉर्म, रेनबो विल बी फॉर्म ओनली वेन देर इज रेन, बारिश भी हो और सन भी हो, देन ओनली अ रेनबो विल बी फॉर्म्ड. सो दैट जब वो सर्टन पोजिशन पे आएगा सो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, और दिस नॉट एक दो ड्रॉप्स इन, बहुत बहुत मिलियंस ड्रॉप्स से वो पूरा का पूरा रेनबो कंस्ट्रक्ट होगा.
And with that, we come towards the end of a session. So thank you so much for watching, students. I hope you enjoyed this video, जहाँ पे हमें एक बहुत ही interesting topic पढ़ा, rather than you know doing numericals, math and this, हमने कुछ interesting पढ़ा, total internal reflection के बारे में, how does rainbow form. So with this, we have come towards the end of the session. अगले session में हम chapter को पूरा complete करेंगे by learning about the you know everyday examples of refraction and about scattering of light as well. So I'll be seeing you soon in our upcoming videos. Make sure to like this one, share with your friends, and subscribe to the channel right away. I'll be seeing you soon. Till then, take care and goodbye.